आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं पहुंचा हूं फतेहपुर जिला, जो कि ये कानपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर है, और फतेहपुर से लगभग ये 40 किलोमीटर की दूरी पर ये ब्रिज है, और ये ऐसा ब्रिज है, ऐसा पुल बनाया गया है। ऊपर जो है आप देख रहे हैं ये नहर है, और हमारी दूसरी तरफ अगर जो हम चलते हैं तो इस तरफ जो देख रहे हैं ये नदी है, इसे ससुर खेदरी नदी है, इसका नाम ससुर खेदरी है। और बीच में एक गुप्त रास्ता भी निकाला गया है, गुप्त रास्ता कह सकते हैं, चोर रास्ता कह सकते हैं, या उस समय के जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए था, और जो ये वाला रोड है इससे घुड़सवारी कह सकते हैं या आने आने वालों के लिए रास्ता इसको बनाया गया था। तो अभी हम चलते हैं ब्रिज के नीचे वाले हिस्से में और आपको इसका पूरा इतिहास बताएंगे कि आखिर में ऐसे ब्रिज की बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। उस समय 150 साल पुराना ये ब्रिज है, पुल है, बनाया गया है अंग्रेज़ों के समय का, और आज के समय में ऐसे पुल तो नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे पुल जो हैं इनमें ना ही कोई सरिया ना ही सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, और 150 वर्षों से ये पुल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। तो चलिएगा, चलते हैं अंदर। तो ये वाला जो ब्रिज है, पुल जो बनाया गया है, काफ़ी सुंदर पुल है, और पिछले 150 वर्षों से ज़्यादा इस पुल को हो गए हुए बने हुए। आप देख सकते हैं ये पुल के नीचे से चोर रास्ता कह सकते हैं, ठीक, या गुप्त रास्ता कह सकते हैं, या उस समय के पैदल आने जाने के लिए ये रास्ता हुआ करता था। और इसके जो दरवाजे हैं काफ़ी छोटे हैं, मतलब मेरी तो लंबाई बहुत कम है, और मैं अगर जिस लंबाई से निकलता हूँ तो हमको भी झुक के नीचे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये रहा, देखिएगा इस तरीके से, और घर जैसे बनाए गए हुए हैं। उस समय क्या था कि उसमें जब अंग्रेज हमारे देश में थे 1880-85 में जब ये पुल बनाया गया था उसमें, और उसमें जो पैदल चलने वालों के लिए लोगों का ये रास्ता बनाया गया था कि इस पुल से अगर जो आप जाते हैं तो ऊपर घोड़ा खच्चर चलते थे और नीचे पैदल चलने वालों का ये रास्ता हुआ करता था। अभी हम लगभग में पुल के बीचों बीच मध्य आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो कुछ बच्चे लेटे हुए हैं, देखिएगा ये जानवर चराने वाले बच्चे हैं, और इसके अंदर जो है ठंडक बहुत ज़बरदस्त रहती है। और हम इस नदी की बात करते हैं, ये नदी है, ये सामने नदी देख सकते हैं, ये वाली नदी है, ये इधर से भी हम देखेंगे, जूम करके देखते हैं तो देखिएगा काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इस तरीके का पुल और कहाँ पर देखा है। सच में ये कि ये अजूबे से कम नहीं है, और इसकी ये दीवार अगर जो हम देखेंगे तो काफ़ी मोटाई की है, लगभग 3 से 4 ईंट की दीवार है, 1 2 3 4, ये 4 ईंटें हैं। और ये देखिएगा, ये जो हम दीवार देख रहे हैं, ये वाली दीवार जो है इसके ठीक पीछे जो है नहर बहती है, और कहीं से भी कोई रिसाव नहीं है। और ठंडक की अगर जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो ठंडक तो इतनी गजब की रहती है कि जो एसी भी यहाँ पर फेल होती है। और फिलहाल जो है नीचे कुछ गंदगी वगैरह है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जानवर वगैरह चराने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पर जानवर भी आते जाते रहते हैं, तो उन्हीं को लेके ये कुछ गंदगी है। वैसे तो काफ़ी अच्छा है भाई इस समय जो है, और ये जो देश का एक ऐसा अजूबा है, और सच में ये कारीगरी है उस समय की, जिस समय देश अंग्रेजों के हाथों में था, यहाँ पर हमारे यहाँ अंग्रेज रहते थे, उस समय का ये है। और इस तरीके की जो डिजाइन वगैरह है आजकल नहीं होती है। और इस पुल में जो है एक खासियत ये है कि ना ही कहीं पर सीमेंट इस्तेमाल हुआ है और ना ही कहीं पर कोई सरिया का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल भी सरिया इसमें इस्तेमाल नहीं है, ये पूरा डॉट पे निर्भर है, पुल डॉट के ऊपर खड़ा हुआ है। अभी हम आ गए हैं पुल के दूसरे वाले हिस्से में, यानी कि इधर जो है लगभग में 150 मीटर के आसपास की पुल की लंबाई होगी, जो हम आपको इधर से दिखाएं, ये देखिएगा। तो मैं उधर से चला था जिधर से आप सामने से, अगर हम जूम करके दिखाएंगे तो सामने आपको ये ई रिक्शा दिखता है, क्योंकि मैं इसी ई रिक्शा से यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि इधर जो है आने जाने का कोई ज़्यादा साधन नहीं है, बिल्कुल ही गाँव में है, और ये अंग्रेज़ों ने उस समय बनाया था। ऐसा जब यहाँ के लोकल के लोगों से जब मेरी बात हुई है तो यहाँ पर पता चला है कि 150 साल पहले जब देश में अंग्रेज थे उस समय जो है इधर पानी की बड़ी समस्या रहती थी, इसी नदी पर लोग निर्भर रहते थे पानी के लिए,
तो फिर अंग्रेजों ने ये नहर की खुदाई की और खुदाई करने के बाद बीच में ये नदी पड़ गई। ये देख रहे हैं तो बीच में नदी आई। अगर जो नहर का पानी इधर से आएगा, इधर से नदी का पानी है, तो दोनों का पानी भाई मिक्स हो जाता है। अब मिक्स ना हो और आगे तक पानी जा सके, क्योंकि आगे सैकड़ों की संख्या में गांव है, तो पानी की तो सभी को ज़रूरत थी हालांकि, और उन पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस समय अंग्रेज़ों ने इसको ये जो है ब्रिज बनाया, ये ब्रिज जो बनाया, ठीक है, और इस ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि नीचे नदी भी निकलेगी, ऊपर नहर भी निकलेगी, बीच में अभी मैं जिस रास्ते से आया हूँ आपको ये वाला रास्ता भी मिलेगा, रास्ता भी जाने आने के लिए बना दिया गया है, और कहीं से भी कोई रिसाव नहीं है आज की डेट में। अभी जो मैं यहाँ पर हूँ तो कहीं पर भी कोई रिसाव वगैरह नहीं है। और ये देखिएगा नहर है, जिस नहर की खुदाई की गई थी, तो ये पूरी नहर है। और ये देखिएगा सामने से देखता आपको सामने से दिखाते हैं, ये देखिएगा ये नहर है और पूरा पक्का है, कहीं से भी आज भी पानी का रिसाव वगैरह नहीं होता है। अगर जब हम देखेंगे ध्यान से तो देखिएगा अभी हालांकि इस समय ये स्थिति है कि पानी जो है नहीं है यहाँ पर, ना तो नदी में ज़्यादा पानी है और नहर भी जो है सूखी पड़ी हुई है, एकदम से सूखी नहर है और नदी भी सूखी है। अगर जो हम इस रेलिंग की बात करेंगे दोस्तों, ये रेलिंग जो है उसी समय की है जिस समय 150 साल पहले हमारे ये पुल का जब निर्माण किया गया था, और उस पुल का जब निर्माण हुआ था तो उसी समय इस रेलिंग को भी लगाया गया था कि इस पुल से कोई भी व्यक्ति नीचे ना गिर जाए, तो इसलिए इसको लगाया गया था। इसकी आप मोटाई वगैरह देख सकते हैं, 150 साल पहले ये बनाया गया पुल देखिएगा, और 150 साल पहले ही इस रेलिंग को भी लगाया गया है। तो इस रेलिंग की जो है आप एक तो डिजाइन जो है कारीगरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है, और इसकी भाई ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मोटे हैं और ठोस हैं, ये पोला वगैरह तो नहीं है, क्योंकि 150 वर्षों से ये बरसात लू लपट सब कुछ झेलते चले आ रहे हैं, कहीं पर भी इनका अभी तक गलना भी शुरू नहीं हुआ है। ये देखिएगा कितना मोटा मोटा यार बनाया गया एकदम से। भाई आज तो हमको लगता पैसे से भी पैसे वाला आदमी इसको नहीं बनवा सकता है, इतना तो मोटा लोहा यार लगाया गया है, लहूलुहान लगाया गया एकदम से अटूट है। अभी हम पुल के बीचों बीच आ चुके हैं, ये बीच का हिस्सा है, और यहाँ पर ये बैठने के लिए या यहाँ से खड़े होकर के इधर देखने के लिए भी देख भी सकते हैं। इधर का नज़ारा का जब हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है। और ये भी दो ईंट की दीवार है, अभी ऊपर नीचे कितनी ईंट की होगी, कितनी चौड़ाई होगी, इसको मजबूती के साथ बनाया जाता है। और यहाँ पर ये जो है शायद बीच में क्रॉसिंग वगैरह करने के लिए, उस समय जब हम इसको क्रॉस वगैरह करते हैं थोड़ा खच्चर क्रॉसिंग के लिए शायद ये बनाया गया होगा। आज तो ये सीमेंटेड बना दिया गया है, ये सीमेंटेड रोड ऊपर इसके ऊपर कर दी गई है, पहले शायद ये सीमेंटेड नहीं होगी, पहले ऐसा ही होगा, तो ऊपर से शायद इनके अंग्रेज़ों के जो थे घोड़ा खच्चर निकलते होंगे, और नीचे का जो रास्ता बनाया गया है वो एकदम से पैदल वालों के लिए रास्ता बनाया गया था। और ये इसी तरीके से नहर के दोनों पटरियों पर हम इस पार चल रहे हैं, और अगर जो उस पार की पटरी देखेंगे वो तो उस पार भी ऐसे ही सेम तरीके से ये बनाया गया है। तो इसको 150 साल हो गई हैं दोस्त, मैं एक रहस्यमयी जगह थी, इस जगह का जो पर्दा उठना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने इसको जब सर्च किया तो सर्च करने के बाद आज मैं पिछले लगभग 2 से 3 घंटे हो गए हैं हमको उसको सर्च करते करते। पुल का जो ब्रिज के इसके वीडियो तो कई बनाए गए हैं, लेकिन किसी ने भी स्पष्ट इसका पता नहीं बताया, तो मैं आज इसका एकदम से स्पष्ट आपको पता बताएंगे, एकदम से सीधी जानकारी देंगे कि आप भी अगर इस वीडियो को माध्यम से यहाँ पर इस लोकेशन पर आना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिएगा मैं जिस गाड़ी से आया हूँ तो ये पीछे देखिएगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कोई और वाहन नहीं चलते हैं, तो ये हम ई रिक्शा जो है रेंट पे लेके आए हैं, और हमारे साथ ये भैया खड़े हैं जो ई रिक्शा लेके आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस ब्रिज को अगर कोई देखना चाहता है या आना चाहता है तो किस प्रकार से आएगा। तो भाई बताइएगा कैसे आदमी यहाँ पर आना चाहता है, कैसे आएगा, सीधे या तो मोटरसाइकिल वहाँ से लेके आए, या तो फिर सीधे रिक्शा करे या टेम्पो बुक करे। इस जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम बरेड़ा है।
बरेड़ा गांव, बरेड़ा पुल के आगे जो अंग्रेजों का पुल है वहीं पे आना पड़ेगा। मतलब कि कोई बरेड़ा गांव पूछेगा तो आ सकता है। हाँ हाँ पुल बता दिया। बरेड़ा गांव आने के लिए मतलब का कोई मान लीजिए कि उससे आता क्या नाम फतेहपुर से अगर जो आता है बरेड़ा गांव का, तो कैसे है कैसे आएगा? फतेहपुर से सीधे आए थरियाओं, थरियाओं से सातों, सातों से सीधा बरेड़ा। मतलब आप फतेहपुर से अगर बैठेंगे बस पे या टैक्सी पे तो दरियाओं आएंगे? फतेहपुर से सीधा थरियाओं उतरे, थरियाओं से उतरने के बाद सातों, सातों से टैक्सी बुक करे, वो यहाँ बरेड़ा आ सकता है। चलिएगा, और साधन नहीं चलता मैं यहाँ। आपको एक बार रिपीट करता हूँ। फतेहपुर से आप चलेंगे तो फतेहपुर से लगभग में 20-22 किलोमीटर की दूरी पर दरियाओं गांव पड़ता है, थरियाओं, हाँ थरियाओं थरियाओं पड़ता है। फतेहपुर से बस स्टैंड से आप बैठेंगे तो वहाँ से प्राइवेट बस भी आती है और रोडवेज बस भी आती है। आप किसी से भी पूछेंगे तो ये जो फतेहपुर से इलाहाबाद रोड हाईवे जाता है इसी पर पड़ता है, लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूछ लीजिएगा बस वाले से, बोलिएगा कि मुझे थरियाओं उतरना है। थरियाओं आएंगे और थरियाओं से ये कहाँ पड़ता है? सातो, सातो, धर्मपुर सातो है। हाँ हाँ सातो ही दरियाओं से जब बैठेंगे तो ई रिक्शा वगैरह आते हैं, टेम्पू वगैरह आते हैं, मैं भी टेम्पू से आया हूँ। तो पूछ लीजिएगा कि धर्मपुर सातो जाना है। धर्मपुर सातो से यहाँ तक आने में 50 रुपये, वो सॉरी 20 रुपये का किराया लगता है, 20 रुपये लगता है, टैक्सी वाला या ई रिक्शा वाला लेते हैं। और धर्मपुर सातो से आपको ई रिक्शा वगैरह करने के आना पड़ेगा। जैसे हम आए हैं तो भैया को हमने 150 रुपये दिया है और 150 रुपये में भैया आपको यहाँ पर लेके आए हैं। 15-20 मिनट यहाँ पर हमारे साथ रुके भी हैं और मैं तो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, भैया तब तक यहाँ पर वेट किए हैं हमारा। तो ये थी आपकी पूरी लोकेशन, आप कमेंट करके बताना आपको ये लोकेशन कैसी लगी है। और हमने आपको सटीक जानकारी इसलिए दे दी है इस ब्रिज के बारे में और इस ब्रिज को जो दिखाया है ये तो सत्य है कि आज ऐसे ब्रिज नहीं मिलते हैं, ऐसी आज टेक्नोलॉजी नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। टूरिस्ट जगहों के वीडियो लाता हूँ, जो भी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं उनको उनसे पर्दा हटाता रहता हूँ और दिखाता रहता हूँ आपके बीच। और चाहे भी कितनी भी कड़ी धूप हो, कितनी भी ज़्यादा मेहनत करनी हो, लेकिन मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो ज़रूर लेके आता हूँ, लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहूँ। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार इस वीडियो पर भी दिखाइएगा जैसे पिछले वीडियो पर दिखाते रहते हैं। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो पर। और एक ज़रूरी बात है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा है। यदि आपको इसी प्रकार का और कोई वीडियो देखना है, और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।